क्या आप भी कम जगह में एक सस्ता और अच्छा घर बनाने की सोच रहे हैं जिसमें आपको स्वरोजगार के लिए दुकान भी देखने को मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, हमें क्रिएटिव आर्किटेक्ट्स और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो प्लान आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है आज का हमारा प्लान जो कि हमने डिज़ाइन किया हुआ है हमारे क्लाइंट मोहम्मद अरशद जी के लिए, जो कि भगवानपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। यह है इस प्लान का टॉप व्यू। दोस्तों, 1250 स्क्वायर फीट बना हुआ यह पूरा प्लान है। वहीं बात करूं अगर इसकी डायमेंशंस की, तो 25x50 फीट की डायमेंशंस इसमें आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस प्लान के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। यह आपकी शॉप्स का एरिया 7.5x13 फीट की इसकी डायमेंशंस है। इसी के बगल में आपकी घर की एंट्रेंस देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर ये आपकी गैलरी है 10x15 फीट की। यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप पहुँच जाते हो लॉबी एरिया में। 19x25 फीट की काफ़ी बड़ी आपको लॉबी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो आपका सीटिंग है उसका प्लेसमेंट कर सकते हो। ये हमने ज़्यादा नहीं किया हुआ है। और ये है आपकी ओपन किचन, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 6x12 फीट की इसकी डायमेंशंस है, तो इसमें स्पेस की कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। रेफ्रिजरेटर भी यहाँ पर हमने रेफरेंस के लिए प्लेस कर दिखाया हुआ है, ताकि आप समझ सकें कि इस किचन में वाकई काफ़ी आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा। 2 बेडरूम्स नीचे हमने दिए हुए हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बार कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ। यह है दोस्तों आपका कॉमन वॉशरूम। 5x7 फीट की इसकी डायमेंशंस है, जो कि वेंटिलेशन के लिए पीछे OTS से कनेक्टेड है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है आपका दोस्तों OTS का एरिया। 5x3 फीट की इसकी डायमेंशंस है। और दोस्तों, जो आपके दोनों बेडरूम्स हैं, ये भी हमने OTS से कनेक्टेड किए हुए हैं, ताकि आपका भविष्य में आपके आसपास या आगे पीछे कोई घर बनता है तो आपको वेंटिलेशन के लिए दोस्तों OTS से ही आपका वेंटिलेशन मिलता रहे। इसी के जस्ट बगल में है आपका बेडरूम नंबर 1। दोस्तों, ये आपका जो बेडरूम नंबर 1 है, इसकी डायमेंशन है 10x12 फीट की। ये आपको एक बेसिक बेडरूम देखने को मिलेगा। सामने हमने एक काफ़ी बड़ी वार्डरोब दी हुई है, तो आपको इसमें भी स्टोरेज की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। वेंटिलेशन ये दोस्तों आपका OTS से कनेक्टेड आपको देखने को मिल जाता है। सामने हमने एक वैनिटी दी हुई है, ताकि आपको सिर्फ हाथ धोने के लिए वॉशरूम में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसी के जस्ट बगल में आपका है बेडरूम नंबर 2। दोस्तों, इसकी भी डायमेंशंस आपको 10x12 फीट की देखने को मिल जाएगी, और ये भी एक बेसिक बेडरूम है। यहाँ पर सामने TV यूनिट आप देख ही पा रहे होंगे। वेंटिलेशन के लिए ये भी दोस्तों OTS से कनेक्टेड आपको देखने को मिल जाता है। आपको इस पूरे प्लान के इंटीरियर्स कैसे लग रहे हैं, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर की ओर। दोस्तों, इसमें हमने स्टेयर्स फिलहाल बीच से दी हुई है, बाकी आप अपने हिसाब से साइड से भी स्टेयर्स बनवा सकते हैं। तो मैं लेकर चलूँगा आपको फर्स्ट फ्लोर की ओर। 3.5 फीट वाइड आपको स्टेयर्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप अपना ये जो डोर देख सामने देख पा रहे हो, यहाँ से आप एक्सेस करोगे टेरेस की ओर। फर्स्ट फ्लोर पर हमने एक ओपन टेरेस दिया हुआ है, जिसके साथ हमने 2 बेडरूम्स भी बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी ये है आपका सीट आउट एरिया, जो कि हमने प्लान किया हुआ है। सामने परगोला आप देख ही पा रहे होंगे, जो कि आपकी घर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। बाकी आप सामने, ये आपका OTS का एरिया है, आप अपने हिसाब से इसे कवर कर सकते हो। हमने झूला भी प्लेस कर यहाँ पर दिखाया हुआ है। और दोस्तों, आप जो लैंडस्केपिंग, जिस प्रकार के आप फूल या ऑर्नामेंटल प्लांट्स अपने घर में लगाना चाहें, आप वो लगा सकते हो घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। बाकी जो मैं आपको बता रहा था कि ऊपर भी आपको 2 बेडरूम्स देखने को मिलेंगे, यह है आपका फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 1। दोस्तों, ये भी आपको एक बेसिक बेडरूम देखने को मिल जाता है। 12x13 फीट की इसकी डायमेंशंस है। काफ़ी बड़ा और स्पेसियस आपको ये बेडरूम देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ी वार्डरोब भी यहाँ पर हमने दी हुई है, और काफ़ी बड़ी विंडो आपको वेंटिलेशन के लिए देखने को मिल जाती है। इधर आपका कॉमन वॉशरूम का एरिया है, और यह है दोस्तों आपका बेडरूम नंबर 2, जो कि फर्स्ट फ्लोर का आपका बेडरूम नंबर 2 है। दोस्तों, ये भी आपको 12x13 फीट की डायमेंशन के साथ देखने को मिल जाता है, और ये भी एक बेसिक बेडरूम है। सामने TV यूनिट आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो खासियत है, वो है आपका बालकनी का एरिया। इस डोर से आप एक्सेस कर पाओगे अपनी बालकनी। 4 फीट वाइड बालकनी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि सामने से देखने में कुछ ऐसी लगेगी। तो ये था दोस्तों हमारा जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान है।
आपको इस पूरे घर के अंदर चार बेडरूम्स देखने को मिल जाते हैं और चारों बेडरूम्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको रूफ टॉप की ओर। यह है आपकी दोस्तों स्टेयर्स, 3 फीट वाइड आपको यहाँ पर ये स्टेयर्स देखने को मिल जाएगी जो कि आपको लेकर जाती हैं रूफ टॉप की ओर। सामने ऊपर हमने बस दोस्तों जो वाटर टैंक है वो प्लेस किए हुए हैं, ये भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा प्लान जो कि हमने कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल तरीके से बनाया हुआ है। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।